हेलो क्लास, आज जो हमें प्रॉब्लम दी गई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखा है तो बोर्ड मिस करने के चांसेस काफी ज्यादा है। हमें ये जो प्रॉब्लम दी गई, दी क्या गया, ये दिया गया कि अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos x अपॉन में sin x, अगर आपके पास ये है तो इसका डिफरेंशिएट करना है, इस y का मतलब इस वैल्यू का क्या करना, आपको डिफरेंशिएट करना। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, तो इसे करेंगे कैसे, तो ध्यान देखिएगा, आप नोटिस करेंगे कि आपके पास यहाँ 1 है प्लस cos x है, तो cos x का एक ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें यहाँ रखने पर ये 1 आपका क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो उसके लिए आप सोच लीजिए भाई आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि cos x का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है माइनस का, यहाँ 1 प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इतना क्लियर, तो हम इस cos x जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, वहीं sin x की बात करेंगे, इसे भी हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां हमने x बाय 2 लिया, यहां पे हमारा x है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, sin x का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin x बाय 2 मल्टीप्लाई cos x बाय 2, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इन दो फॉर्मूलों का हम यूज करके इन्हें सॉल्व करेंगे, तो हमारे क्या आगे देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस, इसकी जगह हम ये रखेंगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, फिर अपॉन में इसे रखेंगे इसकी जगह तो क्या आएगा, 2 sin x बाय 2 मल्टीप्लाई cos x बाय 2, ये फॉर्मूले लिख दिया। अब देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट, अब बचा हुआ लिख देते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और फिर अपॉन में 2 sin x बाय 2 मल्टीप्लाई cos x बाय 2, ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर x बाय 2 है ना, यहाँ 2 है मतलब cos x बाय 2, यहाँ 1 है तो 1 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा हमारा cos x बाय 2, 2 से 2 हमारा कट गया तो हमारा बचा क्या, cos x बाय 2 अपॉन में sin x बाय 2, क्या बचेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x बाय 2 अपॉन में sin x बाय 2, ये आपको फॉर्म मिलेगा। अब चूंकि आपको पता कि cos x अपॉन में sin x क्या होता है, आपका cot x होता है, हाँ कि ना, तो अगर ये cot x होता है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाय 2, ये आपका फॉर्म आ जाएगा। अब इस cot को आपको हटाना है, तो cot को हटाने से पहले ये पहले क्या रहा होगा, cot से पहले क्या रहा होगा, तो हम नोटिस करेंगे cot से पहले ये रहा होगा tan, इसका हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस x थीटा, तो हमारा क्या आएगा, cot थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करेगा थीटा की जगह हम लिखते हैं x बाय 2, तो क्या आएगा, tan 90 माइनस x बाय 2, ये लिख सकते हैं, इसका क्या आएगा, cot x बाय 2 फॉर्म आ जाएगा, हाँ कि ना। तो हम इसकी जगह ये जो फॉर्म लिखा इसकी जगह हम ये लिख देंगे, तुम्हारा बन जाएगा क्या, देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस x बाय 2, ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 से 10 हमारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बचेगा क्या, 90 माइनस x बाय 2 y, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो यार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो d अपॉन dx y इक्वल टू d बाय dx किसका, 90 माइनस x बाय 2 का, हाँ कि ना। अब d बाय dx इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तुम्हारा क्या आएगा, d बाय dx 90 माइनस d बाय dx किसका, x बाय 2 का। अब देखिए 90 है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी जीरो आएगी, माइनस यहाँ पर देखिए 1 बाय 2 है ना, तो x मल्टीप्लाई 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 हम बाहर कर लेंगे, और x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 बाय 2, 0 माइनस। ठीक, तो इसे सॉल्व करें तो और क्या मिलेगा हमको, माइनस का 1 बाय 2, तो इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा dy / dx वो कितना आएगा, माइनस का 1 बाय 2, और इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।